ओके सर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 80, मैं दोबारा से इसे समझा देती हूँ, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल है हमारा, टेन ट्वेंटी, एक यूनिफॉर्म बार दिया है बेटा आपको, 40 एंड 50। आपको 40 सेंटीमीटर में एक 40 ग्राम फोर्स गिवन है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। एंड अब वो ये कह रहे हैं कि आपको 80 ग्राम फोर्स को इस साइड रखना होगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप 80 ग्राम फोर्स को रखेंगे कहाँ पे, तो ये तो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होगी तब जाकर के ये बैलेंस हो पाएगा। तो हमें 80 ग्राम फोर्स को रखना कहाँ है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। फॉर्मूला क्या होता है लिखना एंटी क्लॉकवाइज का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम क्लॉकवाइज में हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स कितना दिया है, यानी कि डब्ल्यू वन की बात हो रही है, तो कितना है आपके पास, 40 gf। एंड डिस्टेंस बताओगे कितने सेंटीमीटर में रखा है, जीरो से यहाँ से, वेरी गुड, 40 सेंटीमीटर में रखा है। डब्ल्यू टू आपको गिवन है बेटा बुक में, 80 gf, 80 ग्राम फोर्स। तो बेटा वो यही तो कह रहा है कि आपको 80 ग्राम फोर्स को कहाँ पे रखा जाए कि आपका ये बैलेंस हो जाए, ठीक। तो इसकी तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वही 40 ग्राम फोर्स, 40 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये चला जाएगा डिवाइड में, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपकी जो डिस्टेंस आ रही है बेटा, ये है आपकी 20 सेंटीमीटर, यानी आपको 0 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ये वैल्यू, यानी कि ये जो आपका वेट है वो बैलेंस हो पाएगा। जैसे आपने यहाँ पे रखा है 40 ग्राम फोर्स, यहाँ पे आप कहाँ पे रखोगे जो आपका ये बैलेंस हो जाए, क्लियर? यस मैम, वेरी गुड। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया है जहां मिड पॉइंट जीरो है आपका, ओके। मिड पॉइंट है आपका जीरो, यानी आपकी नाइफ एज यहीं पे है जहां पे ये पिवटेड होगा इस तरीके से, और आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। इसके लिए आपको स्केल बुक में देखो बना हुआ है, स्केल लिखना बना है बुक में। यस मैम, यस मैम। ओके, अब वो कह रहे हैं बेटा कि यूनिफॉर्म मीटर रूल आपको गिवन है जहां मिड पॉइंट आपके पास ओ या जीरो है, जहां 10 सेंटीमीटर में 40 ग्राम फोर्स का वेट रखा है। तो 10 सेंटीमीटर किधर है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको 40 ग्राम फोर्स का वेट रखना है, यानी कि ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा है ना, ये है। तो यहाँ पे अगर आप वेट रखोगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ तो जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। फिर कह रहा है 90 सेंटीमीटर में आपने 20 ग्राम फोर्स का वेट रखा है, ओके, यहाँ पे 20 ग्राम फोर्स, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो अभी तो हमको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज पता चल गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज द मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम। तो आपको इक्विलिब्रियम का रूल पता है क्या होता है, कब होती है कोई भी चीज इक्विलिब्रियम, कब होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा क्लॉकवाइज के, जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तभी तो ये रेस्ट में रहेगी बॉडी, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे, दोनों को जब दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के तभी जाकर के ये बैलेंस होगा, ठीक है। इसके लिए आपको अगेन वही करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
सेम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. W1 कितना दिया है आपको? 40 ग्राम फोर्स. एंड डिस्टेंस कितनी दी है? अच्छा, डिस्टेंस लिखने के लिए आपको क्या करोगे, जीरो से ये 10 सेंटीमीटर में रखा गया है, कैसे निकालेंगे? मैम 50 माइनस 10 दैट इज 40. वेरी गुड. आप 50 माइनस 10 भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्या करो, देखो 10 10 का गैप है हर किसी में, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हो मेजर करने के लिए 10 20 30 एंड 40. डायरेक्ट 40 भी लिख सकते हो कि जीरो से ये इतना दूर है, या आप 50 माइनस 10 कर दो तो कितना आएगा, तब भी 40 आने वाला है, ठीक है? चाहे यहां से आप मेजर कर लो 10 10, चाहे आप 50 माइनस 10 कर लो. तो 40 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 एंड 2 जीरो ऐड कर लो तो ये हो जाएगा ग्राम फोर सेंटीमीटर. इतना क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो आ गया हमारा वैल्यू. अब इसको निकाल लेते हैं. W2 हमारे पास 20 GF दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर वही, या आपके पास दो तरीके, या तो 10, 20, 30 एंड 40 या डायरेक्ट कर लो, या आप क्या करेंगे, 90 माइनस क्या करेंगे, 50. That's it. 90 माइनस 50 कर दो तो भी आपके पास 40 आने वाला है, या 10 10 करके आगे बढ़ते रहो, 10 20 30 एंड 40, ठीक है? तो ये हो जाएगा 20 GF इनटू 40 सेंटीमीटर. क्लियर? इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आपके पास आंसर, 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर. अभी अभी हमने बात की थी, ये बैलेंस तब होगा, इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी होती है जब आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे 1600 आपका आंसर है और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 800 ग्राम फोर्स. तो यहाँ पे बॉडी, या हम बोल सकते हैं ये स्केल, इक्विलिब्रियम में नहीं है. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हाउ विल द रूलर टर्न. तो आप इसको क्या करोगे, कैसे काम कर सकता है फिर अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है बॉडी? तो मैम जिस साइड ज्यादा वेट होगा उस साइड, ठीक है? वेट किधर ज्यादा है, 1600 में ज्यादा है, तो बॉडी किस तरफ टर्न करेगी? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. अब अगर मेरे पास ये स्केल था बेटा, यहाँ पे मैंने 20 GF रखा है, यहाँ पे 40 GF रखा है, वेट इधर ज्यादा है, तो ये जो स्केल है वो नीचे की तरफ यहाँ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसीलिए, क्योंकि हमारी वैल्यू ये ज्यादा है 1600, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमारा ग्रेटर है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही बॉडी टर्न करेगी. क्लियर? यस मैम. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है बेटा कि अब हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ग्रेटर है, तो अब हम 40 ग्राम फोर्स का वेट, ये वाला वेट ऊपर कर दीजिए ना कैमरे को, ये वाला जो ये 40 ग्राम फोर्स का वेट है, बार को बैलेंस करने के लिए कहाँ पे रखा जाए? बेटा देखो, आप ये स्केल है और अभी हमारी बॉडी, क्योंकि वेट इधर ज्यादा पड़ रहा है, तो बॉडी इधर ढल रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि इसको मैं कहाँ पे एडजस्ट करूं कि ये जो आपके पास रूलर है ये बैलेंस हो जाए, या बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि हमें पता है बेटा जहां वेट ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ ही जाएगा. तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? शिफ्ट करने के लिए यही वो बोल रहा है आपसे कि आप क्या करें, ऐसा इसको 40 ग्राम फोर्स को कहाँ आप बैलेंस करें कि आपका जो ये रूलर है बैलेंस हो जाए, क्या करेंगे राहित? यस मैम. क्या कर सकते हैं हम इसमें? मैम 800 जो जीएफ वाला वो साइड राइट साइड में जो है ना, उसमें हम 40 सेंटीमीटर वो प्लस कर देंगे. कहने का मतलब तो यही है बेटा कि हमारी बॉडी बैलेंस तभी हो सकती है जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल हो, राइट? यस मैम. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास कितना है, 1600 ग्राम फोर्स, ओके? एंड क्लॉकवाइज में कितना था? 800. 800.
हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। इसमें ले लेते हैं हम डिस्टेंस फाइंड करनी है ना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक वाइज में जो 20 ग्राम फोर्स की वैल्यू है ना, वो आई है हमारी 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो 14 ग्राम फोर्स जो आपको दिया है वो है 40 ग्राम फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमें इसी की डिस्टेंस निकालनी है बेटा, इसको कहाँ आप रखेंगे, तो ये कितना आएगा आपके पास 40 GF इंटू डिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। हमें इसी की डिस्टेंस निकालनी है, इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ। और ये पूरा जो हमारा इक्वल अभी आया था किसके आया था, अच्छा एक और चलो दूसरे तरीके समझाती हूँ। ये मेरे पास ठीक है 1600 है, ये 800 है, मैं क्या करूंगी, इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे कुछ वेट, तभी जाके बैलेंस होगा, या मुझे इसको शिफ्ट करना होगा आगे। आप ये बताओ मुझे, अगर मैं 800 ग्राम फोर्स में कुछ ऐड कर दूं तो क्या ये बैलेंस हो सकता है? यस मैम, हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बेटा, 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, सेम वही हमें रिपीट करना है। 800 ग्राम फोर्स प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 1600 माइनस 800। डिस्टेंस निकालने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। इसको सॉल्व करो कितना बन रहा है आपके पास, 16 में से 8 चला गया, कितना बचेगा 800, 40 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 002, यानी आपके पास जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर अवे ले जाएंगे, इट मींस आपको इसे रखना कहाँ होगा, 70 सेंटीमीटर, तभी ये बैलेंस होगा, यानी यहाँ पे सोचो ये है 40 ग्राम फोर्स, ठीक है, ढल इधर रहा है। या तो मैं क्या करूंगी, दो तरीके हैं, या तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी, या मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट करके बैलेंस कर दूंगी, यही हो सकता है, यही हो सकता है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ये वाला, उस 50 सेंटीमीटर से हमें 20 सेंटीमीटर दूर ले जाना था, इट मीन 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम वहां पे उस बॉडी वेट को रखेंगे तभी ये बैलेंस हो पाएगा। आप जब मम्मी कभी सब्जी लेने जाती होंगी तो क्या है, यहाँ पे 20 केजी रखा या 60 केजी रखा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और पुट करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, या इसमें से निकालेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। दो कंडीशन आपके पास है, मैंने क्या किया, या तो इसको आगे शिफ्ट कर दो या तो इसको आगे शिफ्ट कर दो, दोनों में से किसी को भी कर दो। ये कंडीशन तब होगी जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन शारिका आप पढ़ो। मैम आई हैव टू रीड। हाँ। When a boy weighing a 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end. How can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kgf? Okay. Next question बोल रहा है, अगर ये question समझ में नहीं आया होगा तो हम दोबारा एक बार और सारी ये है 0 meter, ये है 4 meter, मिड पॉइंट में आपका ये फिक्स है, एंड यहाँ पे अब क्या कह रहा है बेटा, ये एक सीसॉ है, ठीक है, जो 4 centimeter लॉन्ग है, जिसके वन एंड पर एक बॉय जिसका वेट 20 ग्राम फोर्स है, तो एक लड़का है बेटा जिसका वेट कितना है 20 kg, किलोग्राम फोर्स है, वो यहाँ पे बैठा है। अब 40 किलोग्राम फोर्स के वेट को कहाँ रखा जाए जो सीसॉ बैलेंस हो जाए, इसका मतलब आपने एक जगह तो रख दिया है बेटा 20 kg फोर्स। यहाँ पे कोई बच्चा बैठेगा जो 40 kgf का है,
इसका मतलब वो कह रहा है कि इधर इस पोजीशन में इस वाली जो ये लाइन है यहाँ पे आप उसको कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कि ये बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बॉडी बैलेंस कब होती है, जब एंटीक्लॉकवाइज होगा। तो इसके लिए अगेन वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेटा इसका, 20 kgf। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये सेंटर है ठीक है, सेंटर से ये पूरा 4 meter लॉन्ग है, इट मींस ये आपका 2 meter होगा राइट। पिवट पॉइंट से, इस पॉइंट से ये 2 meter होगा क्योंकि सेंटर में रखा है। अब कोई चीज 4 meter की है तो उसका सेंटर क्या होगा, 2 ही होगा ठीक है। तो 2 meter इसका हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया है, तो 2 meter कितना हो जाएगा, 40 kgf। तो ये वैल्यू तो हमारी निकल गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। 40 kgf बुक में दिया है, वो कह रहा है 40 kgf को आखिर रखे कहाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं दी है ऐसी, क्यों, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि हम अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे रखना है उसको। वो कह रहा है हम कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, आखिर कहाँ पे रखे। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है बेटा, वही हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए 40 kgf इसके नीचे चला जाएगा राइट। यस मैम, कैंसिल कर दो, हमारे पास डिस्टेंस जो आ रही है वो है 1 meter। यानी आपको फलक्रम से या मिड पॉइंट से 1 meter की दूरी में, डिस्टेंस में आपको रखना है यहां पे, तब जाकर के आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया? मैम अंडरस्टूड, मैम अंडरस्टूड, आई एम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन बोल रहा है, अब हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है, एक फिजिकल बैलेंस है ठीक है, जिसकी एक आर्म में 100 kgf का वेट रखा है। ओके, 100 kgf नहीं है, ग्राम फोर्स है, इसका वेट रखा है 40 centimeter में रखा है बेटा, ठीक हो गया, 40 centimeter ले लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। और दूसरी आर्म में क्या वेट रखे, यानी 60 centimeter बोल रहा है, वहां पे क्या वेट रखे कि बॉडी बैलेंस हो जाए, यानी कि बॉडी का मतलब है बेटा फिजिकल बैलेंस, ये बैलेंस हो जाए। फिर से आपसे दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बॉडी बैलेंस कब होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होगा। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। अगेन वही फॉर्मूला बेटा, सब में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 100 gram फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, 40 centimeter। फोर्स कितना है हमें नहीं पता ठीक है, उन्होंने पूछा है कितना वेट रखे, फोर्स जो बोल रहे हैं वही वेट है बेटा आपका, तो कह रहे दूसरी आर्म में कितना वेट रखे, इट मींस आपको ये फाइंड करना है। और डिस्टेंस उसने खुद ही बोला है कितना, 60 centimeter, लॉन्गर आर्म बोल रहा है बेटा 60 centimeter, आपको पता होना चाहिए शॉर्टर और लॉन्गर, लॉन्गर मतलब बड़ा, तो 60 centimeter बड़ा हुआ ना, तो लॉन्गर को हम 60 ले रहे हैं, शॉर्टर को हम 40 ले रहे हैं, इसलिए मैंने 40 centimeter शॉर्टर लिया और लॉन्गर इसको ले लिया, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 60 centimeter। लेकिन वेट की वैल्यू निकालने के लिए 60 centimeter कहाँ आएगा बेटा, मैम बिलो द 100 gf इनटू 40 centimeter, वेरी गुड, इसके नीचे आ जाएगा। सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 200/3 gram फोर्स। चलो अब फोर्स की वैल्यू निकालनी तो है हमें, तो इसे पॉइंट में ले जाओ बेटा, आपके पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 66.67 gram फोर्स। क्लियर? यस मैम। तो जब भी किसी बॉडी को बेटा बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, माना इधर वेट रखा है तो आपको इधर वेट रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, या अब जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ पे 80 kg का आपने वेट रखा है तो यहाँ पे भी आप 80 kg का रखो, हो सकता है बेटा उस वेट को आपको गिवन हो, वो वेट माना 20 kg गिवन है और यहाँ 60 kg है, बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, उस बॉडी को आगे करते रहेंगे शिफ्ट, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए।
क्लियर। अब हम बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन में। अगेन 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया है, ठीक है, जिसका वेट 100 ग्राम फोर्स है, जो सेंटर में ही पिवटेड है बेटा। तो इस रूल का वेट, ओके ओके ओके, चलो बना लेते हैं। ये है आपके पास पिवटेड पॉइंट जीरो। अब यहां पे बेटा आपको 150 ग्राम फोर्स दिया होगा एंड यहाँ कहीं आपको 250 ग्राम फोर्स दिया है। पहले ग्राम फोर्स जो आपको वेट दिया है बेटा, इसको देख लेते हैं। ये तो एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन और देखना क्या लिख रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिख रहा है, बुक ओपन की है साथ में? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है, यहां पे इसका जो डिस्टेंस है बेटा जीरो से वो है 40 सेंटीमीटर और यहां से जो 250 ग्राम फोर्स है वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए में आपके पास जो वेट है वो है 150 ग्राम फोर्स एंड पॉइंट बी में आपको दिया है 250 ग्राम फोर्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है अबाउट ओ पर। आप अबाउट ओ का मतलब समझ रहे हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको लेनी होगी। अबाउट ओ का मतलब ये है, यहां से आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेंगे वो यहां से और जहां तक वेट रखा है वहां तक आप वैल्यू लेंगे। ओके, लेकिन बोल क्या रहा है बेटा, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? फिर वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना दिया है, फोर्स हमारा वेट ही है तो 150 ग्राम फोर्स। डिस्टेंस कितनी दी है, जीरो से यहां 40। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6000 ग्राम पर सेंटीमीटर। वेरी, तो ये वैल्यू तो हमारी आ चुकी है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। सेकंड कह रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालो, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, यानी कि यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला आप पुट करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेटा, 250 ग्राम फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, टू जीरो ऐड कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो सेकंड आंसर भी हमारा निकल चुका है। थर्ड कह रहा है आपको डिफरेंस निकालना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए तो बेटा हमें माइनस करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास कितना दिया है, 6000 एंड क्लॉकवाइज दिया है आपके पास 5000। माइनस करेंगे आपके पास आएगा 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ रहा है बेटा वेट किसका ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज का, तो बॉडी किस तरफ नीचे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? हम एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, मैग्नेटिक इसका ज्यादा है, वेट इसका ज्यादा है, तो बॉडी उसी साइड नीचे जाएगी, यानी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। यहाँ पे वेट आपका है बेटा 6000 और यहाँ पे है 5000, ज्यादा यहाँ है तो बॉडी इसी तरफ नीचे की तरफ ढलेगी। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो थर्ड हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहे हैं बेटा जीरो से, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ पहले समझाने के लिए। कह रहा है जीरो से जो 100 ग्राम फोर्स का वेट है ना,
वो कितने डिस्टेंस में रखें कि जो रॉड है बैलेंस हो जाए। अब बेटा क्वेश्चन कुछ और बोल दिया इन्होंने, वो कह रहा है आपको अब 100 ग्राम फोर्स का वेट रखना है, और ये कहाँ पे रखेंगे आप? फिर से वही बोलूंगी, अगर हम 100 ग्राम फोर्स का वेट रख रहे हैं, किस तरफ रखेंगे राहित, इस तरफ या इस तरफ? मैम राइट हैंड साइड, यानी आप कह रहे हैं क्लॉकवाइज की साइड। यस मैम। वेरी गुड, देखो कॉमन सेंस है बेटा, यहाँ वेट ज्यादा है, यहाँ तो रख नहीं सकते बेटा। यहाँ पे 6 kg आलू रखा है और यहाँ पे 5 kg, अगर मैं 6 kg में 1 kg और डालूंगी, पहले ही नीचे की तरफ ढल रहा था और नीचे चला गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, बात क्लियर? yes, तो अब मैं क्या yes, कर रही हूँ, फिर से वही बेटा, दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे एंटी क्लॉक वाइज को क्लॉक वाइज के इक्वल करना होगा। ऑलरेडी एंटी क्लॉक वाइज हमारा ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर तो 5000 ग्राम फोर्स आ ही रहा था, यानी यहां पर मुझे ऐड करना होगा कौन, 100 ग्राम फोर्स को, ताकि बैलेंस हो जाए। तो कैसे करेंगे ऐड, वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कित, ये तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं 5000 ग्राम फोर्स, फोर्स कितना है अभी उन्होंने बताया 100 ग्राम, हम 100 जी, और डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये है 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। चलो अब वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, दोनों को माइनस करके आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1000 आएगा, 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो बचा है वो है 100 ग्राम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए 100 ग्राम फोर्स किधर जाएगा, इसके नीचे डिवीजन में। ओके, दोनों कैंसिल हुए, 20 से 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, यानी अगर आप 0 से राइट साइड की तरफ सस्पेंड करेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर में, तब जाकर बॉडी बैलेंस होगी। यहाँ वेट ऑलरेडी ज्यादा था, मुझे 100 ग्राम फोर्स और दिया गया, तो मैं उस वेट को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, पहले यहाँ था अब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, तो बॉडी हमारी बैलेंस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। तो हमेशा याद रखो, बॉडी बैलेंस कब होगी, जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होगा, तब जाके बॉडी हमारी बैलेंस होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मीटर रूल अगेन आपको लेना है, जिसका वेट दिया है 10 ग्राम फोर्स, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है बेटा, उसका वेट दिया है 10 ग्राम फोर्स, ठीक है, जिसको जीरो में पिवटेड किया गया है, यानी सेंटर में, सेंटर में पिवटेड नहीं है बेटा अभी ये। अच्छा एक और चीज सुनो इसमें, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया है, उसका वेट आपको 10 ग्राम फोर्स दे रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि जिसको जीरो में पिवटेड किया है, यानी सेंटर में पिवटेड नहीं है बेटा वो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है ना, उसका वेट लेना है। क्यों लेना होगा हमें इसका वेट, एक बात बताओ, हम यूनिफॉर्म मीटर रूल की बात कर रहे हैं ना, यानी यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है 0 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बेटा सेंटर कौन सा होगा, हमेशा वेट कहाँ रहेगा, 50 सेंटीमीटर में वेट रहेगा। कोई भी बॉडी हो बेटा, उसका वेट जो होता है सेंटर में होता है। इन्होंने बात तो कर ली है यूनिफॉर्म मीटर रूल की, उसका हमेशा सेंटर में ही वेट होता है, क्लियर। तो ये 100 सेंटीमीटर की रॉड है, लेकिन उन्होंने एक और चीज बोल दी है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका वेट 10 ग्राम फोर्स है, जिसको जीरो में पिवटेड किया गया है। लेकिन बेटा ये जीरो में पिवटेड नहीं है, क्योंकि जीरो में कौन है हमारे पास, कौन है जीरो में, जीरो में कौन है, अभी भी बताया मैंने, चलो ठीक है, 10 ग्राम फोर्स, अब एक बॉडी 10 ग्राम फोर्स, नो
100 सेंटीमीटर का रॉड था, पिवट पॉइंट हमारे पास जो सेंटर है इस 100 सेंटीमीटर का स्केल का वो 50 सेंटीमीटर में है। तो एक बार बताओ बेटा, 100 सेंटीमीटर की रॉड है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, 50 सेंटीमीटर में होगी या नहीं? यस होगी। तो अब जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका वेट 10 ग्राम फोर्स है, इसका मतलब क्या है बेटा? उसका मतलब है जो 50 सेंटीमीटर आपका सेंटर पॉइंट है जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वहीं पे आपका 10 ग्राम फोर्स का वेट एक्ट कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको पार्ट बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पार्ट ए में दिए गए हैं आपको, ठीक है? फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाती हूँ, ठीक है? तो आपको मैंने एक और चीज समझा दी है, जब भी ऐसा हो कि आपको एक यूनिफॉर्म मीटर रूल की बात की है और उसका वेट भी दे रखा है बेटा, ठीक है, जो सेंटर में ही पिवटेड होता है, तो हम क्या करेंगे, इस रूल का जो वेट होता है ना वो नहीं लेंगे। इतना क्लियर हुआ? जैसे अभी अभी इन्होंने क्या बोला, यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया जिसका वेट क्या दिया है बेटा, 10 ग्राम फोर्स दिया था, जिसको जीरो में पिवटेड किया गया था। बट जीरो में पिवटेड करने का मतलब समझो बेटा, आप यहाँ पिवटेड करेंगे क्या हम बॉडी को, सोचो, ये तो हमारा पिवटेड पॉइंट है, खुद ही बोला उन्होंने। किस किस को बात समझ में आ रही है और किसको नहीं आ रही है? लेखना, शिवांश, आज शिवांश नहीं है क्लास में, ओके, राहिल, अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड, क्लियर, क्या समझ में, ओके, क्या समझ में आया मुझे ये समझा दो मैम। देयर इज 100 मीटर ऑफ रूलर in which the 10 GF of force is applied on a pivot. Now, ma'am, as under 10 GF is applied, it comes under 50 centimeter. Okay. So, यहाँ पे अगर हम moment of force निकालें, तो moment of force का formula क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेटा, वेट कितना दिया है, 10 जीएफ, और डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कैसे मैम? बिकॉज द प्लेस वेयर फोर्स इज अप्लाइड टू द एंड प्लेस इट इज ओनली 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉल्व इट। 500 जीएफ सेंटीमीटर, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि लीस्ट फोर्स लगाना है आपको, ठीक है। लीस्ट फोर्स का मतलब क्या है बेटा, ये तब लगेगा जब डिस्टेंस ज्यादा हो। आप अब ध्यान दो अपने यूनिफॉर्म मीटर रूल में, 50 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, 10 ग्राम फोर्स दिया है, जो ऑलरेडी नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स आपको इधर कहीं अप्लाई करना होगा बेटा, क्योंकि 10 ग्राम फोर्स ऑलरेडी नीचे लग रहा है, इसका वेट ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा फोर्स ऊपर की तरफ लगा देंगे ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, तब जाके ये जो रूल है हमारा ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, कितना ग्राम फोर्स लगाओगे आप यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल हो जाए? ये है देखो, यहाँ पे 10 ग्राम फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं 10 ग्राम फोर्स ही ऊपर की तरफ लगा दूं तो ये क्या हुआ, इस पे ध्यान दो, एक वेट नीचे की तरफ लग रहा है बेटा, ठीक है। इतना ही वेट अगर आप ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा या नहीं जाएगा? आवाज मुझे किसी की नहीं आ रही। जाएगा, ठीक, कह रहे दोनों
अब दोनों का टॉर्क फाइंड करके मुझे दिखा सकते हो कि दोनों का टॉर्क कितना होगा? टॉर्क सेम तो हमने निकाल